हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित। हमें बात करें सीआईबी का रिटेल बैंकिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट नंबर टू। पहला सवाल देखेंगे, लोन ओरिजिनेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। लोन ओरिजिनेशन किसको रेफर करता है? ए ऑप्शन है द प्रोसेस फ्रॉम लोन एप्लीकेशन टू द डिसबर्सल ऑफ लोन। बी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ सीकिंग एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स। सी ऑप्शन है द मार्केटिंग ऑफ लोन प्रोडक्ट्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, द प्रोसेस फ्रॉम लोन एप्लीकेशन टू द डिसबर्सल ऑफ लोन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट फेजेस इन लोन ओरिजिनेशन। क्या डिफरेंट फेजेस होता है लोन ओरिजिनेशन में? ए ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन। बी ऑप्शन है आपका क्रिएट अप्रेजल एंड सैंक्शन। सी ऑप्शन है डिसबर्समेंट। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। और ई ऑप्शन है ओनली ए एंड बी। जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में वो हो जाएगा डी, यानी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तीसरा क्वेश्चन है, इन एनी लोन ओरिजिनेशन टू की प्रोस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड क्रिटिकली अप्रेजिंग द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ ए कस्टमर एनालाइजिंग द रिस्क इन फेंडिंग। टू एनालाइज दीज एस्पेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट। बोलते हैं जब लोन ओरिजिनेशन की बात होती है तो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान रखा जाता है और उसको बहुत ध्यान पूर्वक उसको अप्रेज करते हैं, यानी लोन को देखा जाता है कि लोन सही है या लोन का वर्दिनेस है, यानी लोन सही है या लोन को हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी कस्टमर के बारे में। उसके बाद हम लोग रिस्क जानना चाहते हैं, क्या वो लोन देंगे तो कितना रिस्क इन्वॉल्व है। ये सब चीज में जब हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे कौन सा चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। पहला ऑप्शन हो गया कैप्चरिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन डेट इज डेमोग्राफिक एम्प्लॉयमेंट फाइनेंशियल डिटेल्स। बी ऑप्शन हो गया टू चेक दैट द कस्टमर इज नॉट अ फ्रॉड। बी ऑप्शन है टू चेक कस्टमर इज नॉट अ फ्रॉड और ब्लैक लिस्टेड विद इन द बैंक और विथ अदर इंस्टीट्यूशन। सी ऑप्शन है टू वेरीफाई डेट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर इज करेक्ट एंड ऑथेंटिक। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी ओनली। ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में ई, नन ऑफ दिस। चौथा क्वेश्चन है, द सेकंड फेज ऑफ लोन ओरिजिनेशन इज। जो सेकंड फेज होता है लोन ओरिजिनेशन का वो क्या है? तो पहला ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन। बी ऑप्शन है क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। सी ऑप्शन है डिसबर्समेंट। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी, क्रेडिट अप्रेजल एंड सैंक्शन। पांचवा क्वेश्चन है, फॉर मिटिगेटिंग क्रेडिट रिस्क डिपेंडिंग ऑन लोन अमाउंट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट। बोलता है अगर रिस्क को क्रेडिट रिस्क को कम करना चाहे तो कौन सा चीज का जो लोन अमाउंट, मतलब लोन के अमाउंट पे डिपेंड करना पड़ता है और उसके फाइनेंशियल प्रोडक्ट पे, ठीक है। जब रिस्क कम करना चाहते हैं, कोई भी लोन है या एडवांसेज है उसका रिस्क कम करना चाहते हैं आप, तो क्या चीज पे डिपेंड करेगा लोन का अमाउंट और फाइनेंशियल प्रोडक्ट? तो ये ऑप्शन है, बैंक मे रिक्वायर और को बोरोवर टू सपोर्ट द लोन। बी ऑप्शन है गारंटर्स टू सपोर्ट द लोन। सी ऑप्शन आइदर ए और बी। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। पांचवा का हो जाएगा सी ऑप्शन, आइदर ए और बी। छठा सवाल है, बैंक कलेक्ट द फीस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम कस्टमर एज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। बैंक यहाँ पर कलेक्ट करता है फीस जो कि फॉलोइंग कस्टमर से, बैंक क्या करता है यहाँ पर कलेक्ट करता है फीस फॉलोइंग कस्टमर से जो उसका पार्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। तो ए ऑप्शन है प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। बी ऑप्शन है इंटरेस्ट पेड टू डिपोजिटर। सी ऑप्शन इंस्पेक्शन। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। और ये ऑप्शन है बोथ ए एंड सी ओनली। तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी, इंस्पेक्शन। सॉरी यहां पे गलत हो गया, यहां पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। सातवां सवाल है, थर्ड फेज इन क्रेडिट ओरिजिनेशन प्रोसेस इज। जो थर्ड फेज होता है क्रेडिट ओरिजिनेशन प्रोसेस का वो पहला ऑप्शन हो गया क्रेडिट अप्रेजल, बी ऑप्शन हो गया डिसबर्समेंट, सी ऑप्शन हो गया क्रेडिट मॉनिटरिंग, डी ऑप्शन हो गया रिकवरी। तो इस केस का जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा डिसबर्समेंट। जो थर्ड फेज होता है क्रेडिट ओरिजिनेशन प्रोसेस का वो क्या है? डिसबर्समेंट। आठवा क्वेश्चन है, अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शुड ऑल्सो कॉल फॉर ए फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स विच सप्लीमेंट एस्टेब्लिश द पार्टिकुलर्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज जनरली नॉट टेकन विद एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, बोलता है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जहां पे कि आप लैंड करते हैं, पैसा देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को कोई, ठीक है, मान लीजिए कोई आपको डॉक्यूमेंट का है या कोई एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा दे रही है, जो लोन दे रही है, वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स को भी बुलावाती है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाती है जो कि उसका जो लोन का पार्टिकुलर जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म उसको मजबूती देता है या सप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा फॉर्म जो होगा वो लिया नहीं जाता एप्लीकेशन फॉर्म के साथ? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, पासबुक फॉर लास्ट सिक्स मंथ। बी ऑप्शन है सेल डीड, एग्रीमेंट ऑफ सेल,
लेटर ऑफ अलॉटमेंट फ्रॉम हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी एक्सेट्रा वेर एवर एप्लीकेबल कॉपी ऑफ अप्रूव्ड प्लान वेर एवर एप्लीकेबल सी ऑप्शन एस्टीमेट वैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम अप्रूव्ड वैल्यूअर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी फाइनेंस वेर एवर एप्लीकेबल डी ऑप्शन है सर्च प्रॉपर्टी सॉरी सर्च रिपोर्ट नन इनकम्बर सर्टिफिकेट फॉर 50 ईयर्स फ्रॉम बैंक्स एडवोकेट ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी कि सर्च रिपोर्ट नन इनकम्बर सर्टिफिकेट फॉर 50 ईयर्स फ्रॉम बैंक्स एडवोकेट ठीक है या बैंक एडवोकेट नहीं करता है ये एक अलग सा फॉर्म होता है जो एवेल्यूएशन करता है बैंक एडवोकेट एडवोकेट का मतलब क्या है कानूनी काम करेगा तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन देखिए मॉनिटर फॉर अप्रेजिंग ए होम लोन प्रपोजल द अप्रेजल विल जनरली कंसिडर वेदर ए बोरोवर इज एलिजिबल एज पर स्कीम बोलता है जहां पे आप अप्रेजल होती है होम लोन का जो अप्रेजल करता है जनरली कंसिडर करता है बोरोवर क्या उस चीज के लिए बैंक स्कीम के लिए एलिजिबल है यानी पहला ऑप्शन कंसिडरिंग हिज एज इनकम लेवल लेंथ ऑफ सर्विस इन केस ऑफ सैलरीड पर्सन एरियाज और लोकेलिटी वेयर हाउस इज विल बी कंस्ट्रक्टेड नेगेटिव लिस्ट फॉर दिस पर्पज बैंक विल डेवलप बैंक डेवलप क्राइटेरिया विच इज कॉल्ड रिस्क लाइबिलिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बी ऑप्शन हो जाएगा रिस्क एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सी ऑप्शन हो जाएगा रिस्क एसेट मिटिगेशन क्राइटेरिया डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में बी रिस्क एसेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दसवां सवाल है द अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन डेट कैन बी ग्रांटेड इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जो अमाउंट का आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं वो ग्रांट नहीं किया जाता है किस चीजों के ऊपर ठीक है वो ग्रांट जो किया जाता है किस चीजों के ऊपर बेस्ड नहीं होता है पहला ऑप्शन है इनकम ऑफ ए ऑप्शन है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट पीरियड ऑफ रीपेमेंट बी ऑप्शन है इनकम लेवल सी ऑप्शन है वैल्यू प्रॉपर्टी डी ऑप्शन है लोन टू वैल्यू रेशियो ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस तो सही ऑप्शन हो जाएगा ई नन ऑफ दिस यहाँ पे मेगा ऑफर है और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है यहाँ पे आपको जेवीर सेबी की कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज रहेगा केस स्टडी का वीडियो रहेगा 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा क्विक रिवीजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा आप कोई भी जेबी सीआईबी या फिर बैंक प्रमोशन पेपर खरीदते हैं इसका दाम है 2000 रुपये ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 600 रुपये अगर आप जेबी का कॉम्बो पैक खरीदते हैं दोनों पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है 4500 रुपये ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1500 रुपये अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं एबीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम है 3500 रुपये ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1100 रुपये अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग लेते हैं इसका दाम है 4500 रुपये ऑफर प्राइस का दाम रहेगा 1500 रुपये 10 मॉक टेस्ट खरीदते हैं कोई पेपर का दाम है 199 रुपीज और कॉम्बो पैक के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज जहाँ जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं फोन नंबर हो गया 4x9685127 दूसरा नंबर है 7827546946 वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं वेबसाइट हो गया www.jabcabstudymetal.com ईमेल आईडी हो गया 6912@gmail.com